हेलो स्टूडेंट्स, भूलना भाई भूल तो सब हम लोग जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तीन बातें ऐसी आप लोग को बताने वाली हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग कभी भी किसी चीज को नहीं भूलोगे। फर्स्ट थिंग, हर चीज के पीछे की स्टोरी पता होनी चाहिए कि उसके पीछे की स्टोरी क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है। दूसरी चीज, रिविजन करना। जो भी आप लोग का टॉपिक है, जो भी आपका ट्रिक है, जो भी आप पढ़ते हैं, उसका रिविजन करो। और तीसरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि डिस्कशन करना, ठीक है। अगर आप कोई भी, सपोज करो आप लोगों ने एक एग्जांपल, मैंने कहा हड़प्पा सिविलाइजेशन ले लिया, ठीक है। अब वो याद कब रहेगा? जब आप उसे किन्हीं दो या तीन लोगों के साथ डिस्कस कर लोगे। यकीन मानिए, डिस्कस की हुई चीजें गाइज आप लोग लाइफ टाइम तक कभी भी नहीं भूलोगे। अभी मैं आप लोगों को एक, मैंने कहा आपको, मैंने एक पेज दे दिया करंट अफेयर्स का है, मान लीजिए इसको पढ़ लो, ठीक है। आपने पढ़ लिया, रीड कर लोगे, कितने दिन याद रहेगा? एक दिन, दो दिन, कितने दिन याद रहेगा? उससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन जब आप लोगों ने वो चीज किसी ना किसी से डिस्कस करी होगी, दो या तीन लोगों से, चाहे अपने फ्रेंड्स हो या आप लोगों से नीचे क्लास के या आप लोगों से छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हो, उनके साथ अगर आपने डिस्कस किया, उनको पढ़ाया है, तो डेफिनेटली वो चीज आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहने वाली। तो अगर आप कोई ऐसे बड़े एग्जाम्स को क्या कहते हैं टारगेट कर रहे हो, चाहे वो SSC का हो, UPSC का हो, या कोई सा भी एग्जाम, तो जो भी ट्रिक्स है या जो भी थ्योरी आप पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए बेटर है कि आप लोग वहां पर रिवीजन के साथ साथ डिस्कस करें चीजों को। डिस्कस की हुई चीजें, विजुअल देखी हुई चीजें हम लोग जो है बहुत कम भूल पाते हैं, इंसान को हमेशा याद रहता है। सो इन बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखिए।